आपको मैक्रोनीज बनाते हुए दिखाते हैं, चलिए मैक्रोनीज निकालते हैं। तो उस टेबल में मैक्रोनीज पड़ी है दोस्तों, तो मैक्रोनीज निकालिए। आप सोच रहे हैं इतनी ज़्यादा तो नहीं बनानी, इतनी ज़्यादा बनाएंगे नहीं, पर हम थोड़ी सी बनाएंगे हमारे खाने के लिए। तो अब हम छापर बोलते हैं, ये दूसरे पोपर जैसे हैं और मैक्रोनीज ये हैं, मैक्रोनीज भी थोड़ी सी हैं, तो दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। तो एक बोल लेते हैं बोल दोस्तों, तो चूल्हा गंदा हुआ था, तो पहले हम चूल्हे को साफ करते हैं, फिर जब चूल्हा साफ हो जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. दोस्तों जब तक चूल्हा साफ हो रहा है उतनी देर हम इसमें मैक्रोनीज डाल लेते हैं। तो दोस्तों चूल्हा चूल्हा साफ हो गया, इसमें पानी डालते हुए इसको बॉयल करने के लिए रखते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जितना इसमें इतना पानी डालेंगे जिसमें चूल्हे भिगो भीग जाए, पानी इतना सही है दोस्तों। हम भी पूरे शेफ हैं, आप लोग कहते होंगे लड़कियां शेफ होती हैं, लड़के ही शेफ नहीं होते भाई, लड़कों को भी पूरी कुकिंग आती है दोस्तों। तो अब आग चलाते हैं और माचिस तो चल ही नहीं रही है, माचिस टूट गई, एक और माचिस तोड़ते हैं, एक और टूट गई, प्रैंक हो गया जी। माचिस चला सुखा रहे हैं, माचिस चल गई और ये इसको हंसवे जाए कौन मारा, पर गैस नहीं आ रही मैडम, एक और चला के देखते हैं। ये माचिस गई, मैं तो माचिस आया करने आया दुनिया में, हसबे साई का हाथ चल गया मेरा, इसको भी अंदर ही डाल दिया, क्या पता प्रैंक हो जाएगी इसी के साथ। दोस्तों आपने देखा अब हम आग जला लिए, तो इसको मैक्रोनीज बनाने के लिए रखते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये अब रख दिया है, तो इस पर हम टाइमर लगा लेते हैं 7 से 8 मिनट का। तो टाइमर जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तब आपसे मिलते हैं। टाइमर सेट कर लिया है हमने, तो देर बाद ही जाके आपसे मिलते हैं। दोस्तों देखते हैं बॉयल आया या नहीं, तो उठा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैक्रोनीज हमारी पक रही है और मेरा हाथ भी चल रहा है। आप टाइमर देख सकते हैं 3 मिनट का रह गया, इसको थोड़ा बहुत चप्पू चलाते हैं तो मेरा आपको मिलते हैं। जब हमने ये चम्मच पकड़ लिया तो अब इसको हिला के आपसे मिलते हैं। दोस्तों देखें इसको मिक्स कर रहे हैं, देखें माशाल्लाह से बड़े अच्छे से पक रही है ये मैक्रोनीज हमारी। पानी में आपको थोड़ी कम पकी हुई नज़र आ रही है, और आप ये कैमरे में देखें माशाल्लाह, और आप ये टाइमर भी देखें कितनी देर का रह गया है, और आप टाइमर भी देखें कितनी देर का रह गया, और आप ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने प्यारे बने। तो इसको दोबारा से ऊपर प्लेट रख देते हैं, तो फिर जब थोड़ी और देर बाद आपसे मिलेंगे 3-4 मिनट बाद। दोस्तों तो 3 मिनट गुजर गया, अब हम दोबारा इसको देखते हैं, कोई एक्सपीरियंस कुछ नया चीज आई है। माशाल्लाह दोस्तों हाथ जल चुका है, आइंदा कभी कुकिंग नहीं करनी, पहले हाथ शाथ धो लिए ऐसे। दोस्तों मेरा हाथ जल गया था, और आप ये देख भी सकते हैं ये लाल लाल हुआ पड़ा है, हम आपको दिखाते हैं, ये देखें कितना लाल लाल हो गया है, और मुझे बहुत दर्द हुई, आइंदा मैंने कुकिंग नहीं करनी, मैं दिल से कह रहा हूँ। तो इसको रखते हैं टाइमर को, 1.5 मिनट का रह गया, इसको थोड़ा चप्पू शप्पू चलाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ऐसी की वीडियोज़ अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम ऐसी की वीडियोज़ बनाया करेंगे कुकिंग शुकिंग के लिए। तो इसको देखें कुछ नरम वरम हुई है, प्लेट पाई प्लेट, ये प्लेट यहाँ ही पड़ी है, तो मेरा हाथ दोबारा से जल गया। मैं वहाँ से एक प्लेट लाता हूँ, तो आइए चलिए प्लेट लाते हैं। फिलहाल इसी में देख लेते हैं पकी है या नहीं, और यह हमारा चम्मच भी जल गया है, पानी जानी उतार के इसमें देखते हैं पकी है या नहीं। अभी थोड़ी हो रहती है, एक दो मिनट इसको और पकाते हैं, और ऊपर पकड़ दोबारा से प्लेट रख देते हैं। बिस्मिल्लाह हसबे जायका, इसके ऊपर प्लेट रखी हमने, और बिस्मिल्लाह बस और कुछ ना हो, और मेरे हाथ की उंगलियाँ फट चुकी है। तो दोस्तों वीडियो बनाते बनाते बाहर इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, और बारिश अभी थोड़ी हल्की हुई है, तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों तो ये देखे बारिश और तेज़ होने लग गई थी, और वहाँ देखें लड़ाई होने लग गई है, पता नहीं किसी की, आपको अगर शायद नज़र आ रहा है तो ठीक है, ये देखें वहाँ एक अंकल करे हैं। तो ये देखें बारिश इतनी तेज़ हो गई वीडियो बनाते बनाते, तो
हम अपनी मैक्रोनीज को देखते हैं। तो आप देख निकाल के देखते हैं मैक्रोनीज और सही है या नहीं, या थोड़ी देर और रुक जाते हैं, एक दो मिनट और रुक जाते हैं, फिर एक दो मिनट जब गुजरेंगे तो आप मिलते हैं। टाइमर हमने लगाया हुआ है, देखें 1 मिनट 20 सेकंड रह गए हैं इसको दिखा निकालने में, फिर हम इसको निकाल ही लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। और सुबह टाइमर ख़त्म हो चुका है और अब हमारा मोबाइल भोंकने लग गया कि टाइमर ख़त्म हो गया, तो उसको दोबारा से अब टाइमर बंद करते हैं और अब हम अपना निकालते हैं। इसको तो बंद करो, ओके। तो अब बिस्मिल्लाह हस्बे जायका दोबारा ना हाथ जल दे। तो ये बोल भी साथ नाल खिंची जा रहे हैं मेरे दोस्त, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं काम कर रहा, जा किया तो उसको निकालते हैं फिर आपसे मिलेंगे। और एक तो हमसे निकाला भी नहीं जा रहा दोस्तों, तो इसको पकड़ लिया 10 साल बाद जाके मैंने इसको पकड़ा, फिर भी अभी तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ। तो इसको अब हल्का हल्का मिक्स करते हैं, तो चम्मच कहाँ हमारा रहा चम्मच, पहले हाथ पे पट्टी बांध लेते हैं, थोड़ी रुमाल को चलाते हैं। दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, मेरा हाथ जलने वाला हो गया। तो अब हम गैस वैस बंद करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों तो गैस बंद हो चुकी है, तो अब हम अपनी मैक्रोनीज को निकालते हैं। अपना ये अलावा कुछ हुए तो इसको रखते हैं यहाँ, तो एक मशीन से निकालते हैं। दोस्तों ये हमने निकाल लिया, अब हमें इससे पानी निकलेगा मैक्रोनीज इसमें आ रहे, तो बिस्मिल्लाह करके हम ये काम शुरू करते हैं। और ये पानी गिर गया और ये हमारी मैक्रोनीज है, तो इसको आप चम्मच के साथ निकाल कर जो नहीं निकलेगी, चम्मच 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 हमारा चम्मच। दोस्तों ये जो लगी हुई थी अब इसको चम्मच से निकाल लेते हैं, थोड़ी बहुत नहीं थोड़ी थोड़ी चिपक गई है, फिर भी थोड़ा सी काला तो पता है। तो हमने इसे पूरी पतीली खाली कर लिया, तो हम इसमें मसाला जात डालते हैं। चलिए पहले मसाले में आता है दोस्तों, तो इसको दोबारा अंदर डालते हैं मसाले, मसाला डालने के लिए तो ये चम्मच इसको पकड़ा है, इसको अंदर रखते हैं। पहले इसमें कुछ नहीं रहेगा इसमें से हम क्या कर दोस्तों, अब इसमें मसाला ज़्यादा डाल देना है, थोड़ा इसको अगर कर लेते हैं। पहले में आएगा नमक, 2 टीस्पून नमक आएगा इसमें, नमक ऐड करें आप तो काफ़ी ज़्यादा है, बस आपने इसमें इतना नमक ऐड करना है। आप भला ज़्यादा कर ले तो हमने बस इतना ही ऐड किया है। तो इसमें सोया सॉस आएगी थोड़ी सी, ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो आप अपनी मर्जी से डाल लें, इतनी सोया सॉस डाली हमने थोड़ी सी। और ये आता है इसमें चाट मसाला, पहले इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसमें अब आता है चाट मसाला, चाट मसाला डालिए अब हमने, इसमें आएगी चिली सॉस, ये बहुत थोड़ी डालनी है, बहुत तेज़ होती है, बस हमने इतनी चिली सॉस डाली। मैंने वैसे पहले भी काफ़ी बारी बनाई हुई है, पर मैं बहुत तेज मिर्ची डाल देता था, अब बस इतनी मिर्ची डालनी है, फिर सोया सॉस से ज़्यादा मिक्स वगैरह हो रही है। मसाला डाल, हमारे पास चिकन नहीं था इसलिए हमने चिकन नहीं डाला, इसलिए हमें खाली भी बना ली है, तो मैं इसको चेक करके पर करता हूँ। नहीं पहले प्लेट में थोड़ा सा कुछ ये डाल लेते हैं, थोड़ी सी थोड़ा कलर आ जाए, ओ सॉरी, इसके अलावा केचप भी डलता है, तो आप इधर ही रुके हैं दोस्तों। तो ये केचप आ गया है, तो उसमें अब हम केचप डालते हैं, केचप और टेस्ट कह रहा हूँ रंग लाने के लिए अच्छा होता है केचप, और टेस्ट में भी थोड़ा अच्छा होता है केचप, बस आपको इतना केचप डालना है, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करनी, इसलिए ये टमाटो केचप है, चिली चिली जूस में, तो इसको ऐसे थोड़ा मिक्स करते हैं। एक नीचे गिर गई, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा
ये हमारी मकरोनी तैयार हो चुकी है। अब इसको ब्रेड में डाल, तो भी हम इतनी डालते हैं उगाया है उगा लिया। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें मज़ेदार, तो पहला मैंने अब आप ही चेक कर लिया मेरा भाई सोरी। मज़ेदार तो आपको आज हमारी हमारी मकरोनी कैसी लगी? फ्रेंड्स हमारे फैंस के लिए तो वो खा नहीं सकते, तो ये अब हम खा लेते हैं। कैसे भी डबल मज़ेदार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है। मेरे चैनल तेलहा मलिक ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।